हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कैम छो वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर चैनल। और डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, यहाँ पे गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने एनुअल एग्ज़ाम फॉर 23-24 एक ब्लूप्रिंट अनाउंस किया है। वो ब्लूप्रिंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे गुजराती में ब्लूप्रिंट अनाउंस किया है, फिर भी मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो 16 रहेंगे, यानी वन मार्कर क्वेश्चन। सो 16 टोटल आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, जिसमें आपको MCQ, MRQ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, किसने किस चीज़ को डिस्कवर किया है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट के साथ उन्होंने एक पेपर भी अटैच किया है, वो पेपर का सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। दूसरा जो है 10 टोटल क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, यानी हमारे 20 मार्क के सब्जेक्टिव सेक्शन बी रहेगा, जिसमें आपको 2 मार्क के 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 मार्क वाले 8 क्वेश्चन 24 जो सेक्शन सी में रहेंगे, और 4 मार्क वाले 5 क्वेश्चन यानी टोटल 20 सेक्शन डी में रहेंगे। यानी पेपर स्कीम विल बी द सेम ऑफ द प्रीवियस ईयर, लास्ट साल वाला ही पेपर स्कीम उन्होंने फॉलो किया है। 1 मार्कर क्वेश्चन 16 रखे, 2 मार्कर क्वेश्चन टोटल 20 मार्क के, 3 मार्कर 24 मार्क के, और 4 मार्कर 20 मार्क के। और जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने कौन से चैप्टर में से कितना निकलेगा ना, वो ऑलरेडी बोल दिया है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा केमिकल रिएक्शन, उसमें से 5 मार्क के टोटल निकलेंगे क्वेश्चन। चैप्टर 2 में से 7, चैप्टर 3 में से 7, चैप्टर 4 में से 6, चैप्टर 5 8, यानी देख सकते हैं कि चैप्टर 5 का सबसे ज़्यादा वेटेज है। चैप्टर 6, चैप्टर 7 में भी 6 है, चैप्टर 8 में से सिर्फ और सिर्फ 3 मार्कर ही है, यानी टोटल 3 मार्क का चैप्टर है। तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज हमारा गोल तो 100 out of 100 है। चैप्टर 9 में से 8 मार्कर है, यानी इसका भी वेटेज कुछ ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हमें बायो और फिजिक्स का एक चैप्टर काफ़ी काम का निकलेगा। चैप्टर नंबर 10 सिर्फ 5 मार्क का है। चैप्टर नंबर 11, ओ माय गॉड, इट्स आल्सो फॉर 8, यानी समझ लो कि हमारा जो फिजिक्स पोर्शन है वो इस साल स्ट्रांग होना चाहिए। चैप्टर 12 में से 5 और चैप्टर 13 में से 6 मार्क के निकलेंगे। यहाँ पे सोच लो कि सबसे पहले जो 4 चैप्टर है वो हमारे केमिस्ट्री है, पीछे के 5, 6, 7, 8 वो हमारे बायोलॉजी के चैप्टर है, 9, 10, 11, 12 हमारे फिजिक्स के चैप्टर है, और ये कॉमन बायोलॉजी है, अवर एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि फिजिक्स का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही वेटेज वाला रख दिया है, तो फिजिक्स में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लेना। और ब्लूप्रिंट का यही फायदा है बच्चों कि आपको पहले से पता होता है कौन से चैप्टर में आपको कितना फोकस करना है, कौन सा चैप्टर का कितना रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी फायदा किया है कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज निकलेगा, मतलब 1 मार्कर कितने होंगे, 2 मार्कर कितने होंगे, 3 मार्कर कितने होंगे, वो सब कुछ बता दिया है। जैसे कि सोच लो हमारा जो सेक्शन ए है, MCQ, MRQ, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशन, सब कुछ आ जाएगा, टोटल 1 मार्कर हो गए। 2 मार्कर जो क्वेश्चन है वो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 4 इंटरनल ऑप्शन रहेंगे। इंटरनल ऑप्शन को ध्यान से समझ लो बेटा, इंटरनल ऑप्शन का मतलब ये होता है अगर उन्होंने चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन को 2 मार्कर में रखा है तो वो और में चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है जनरल ऑप्शन नहीं है कि 5 सवाल दिए उसमें से कोई भी 4 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं है, इंटरनल ऑप्शन दिया गया है। 3 मार्कर टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन को आपको इंटरनल ऑप्शन दिए जाएंगे। मतलब इंटरनल ऑप्शन का मतलब ये होता है आप किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो। और 4 मार्क का टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और इस साल का ब्लूप्रिंट का पेपर देख के कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक जो भी हमारी बोर्ड अनाउंस करती है हर महीने, क्वेश्चन बैंक वो शायद से देने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन बैंक को खास से सॉल्व कर दो और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है इस साल साइंस के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा 100 out of 100 स्कोर कर गया था साइंस में, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज, सम्स, सब कुछ काफ़ी बढ़िया से किया था, जिस तरह से गाइडेंस दिया गया था वो गाइडेंस को फॉलो किया था, तो काफ़ी बढ़िया मार्क लेके आया था। तो सेम इस साल भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि आपको बेस्ट गाइडेंस देके आपको टॉप तक ले जाए। ओके, सो यहाँ पे ब्लूप्रिंट का कुछ इस तरह से अनाउंसमेंट है कि जैसे कि चैप्टर 1 में से कितना निकलेगा, चैप्टर 2 में से कितना निकलेगा, वो हर एक बात दी गई है यहाँ पे। और जहाँ पे ये स्टार्स है, ये स्टार्स ऑप्शन दिखाएगा। जैसे कि चैप्टर 1 में से
एक टू मार्कर निकलेगा, एक थ्री मार्कर निकलेगा। अब ये जो थ्री मार्कर है वो ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे कि तीन इक्वेशंस दिए और मैं आपको कोई इक्वेशन दे दिया है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और थ्री इक्वेशंस आपको बैलेंस करने दे दिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ लो जहाँ पे भी स्टार है वो ऑप्शनल है, और मैंने पूरा नीचे एनालिसिस लिख के रखा है आपके लिए कि कौन से चैप्टर में से वो कितना निकालेंगे। जैसे कि चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, यहाँ पे पूरा चैप्टर्स मैं लिख लेता हूँ। तो चैप्टर वन में से सेक्शन बी में से एक आएगा, सेक्शन सी में एक आएगा। ऐसे चैप्टर टू में से दो MCQ VSQ यानी ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, और टू मार्कर थ्री मार्कर, यानी यहाँ पे पूरा इस तरह से एनालिसिस दिया है। आप पॉज करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नीचे तो मैंने पूरा और ज़्यादा डिटेल में दे दिया है। जैसे कि सेक्शन ए में से केमिस्ट्री पोर्शन के टू, थ्री एंड फोर चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे। मतलब पहले चैप्टर के काफ़ी कॉर्नर क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, फिर भी ये बोर्ड है टू मार्कर में दो क्वेश्चंस, वन मार्कर वो पूछ सकते हैं। ओके, हमें प्रिपेयर सबके लिए रहना है। बायो के सब चैप्टर 5, 6, 7 नहीं है, 8, 13 यानी 7 के बाकी के चैप्टर हमारे ऑब्जेक्टिव में है, और इसमें से 12 नहीं है, यानी केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स में एक एक चैप्टर निकाल दिए हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव में से। उसके बाद सेक्शन बी में केमिस्ट्री में से 1, 2 एंड 4 चैप्टर से आपको दो मार्कर क्वेश्चन आएंगे, टू मार्कर क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में से आपको बड़े वाले क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा एनालिसिस आपको समझना है। जैसे कि टू मार्कर क्वेश्चन के लिए उन्होंने बायो का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है, पाँचों पाँच चैप्टर, 5, 6, 7, 8 और 13, पाँचों क्वेश्चन पाँचों चैप्टर में से ही आपको दो मार्कर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये एनालिसिस को ध्यान से समझ लो, ध्यान से याद रख लो। मेनली सेक्शन डी जो फोर मार्कर है उसमें 3, 5, 7, 9, 11 पूरा ऑड नंबर का सीरीज बना दिया उन्होंने, 3, 5, 7, 9, 11 ओके। सो यहाँ पे और ऑप्शन कौन कौन से चैप्टर के हैं, थ्री थर्ड चैप्टर में से ऑप्शन निकलेगा, फाइव चैप्टर में से ऑप्शन निकलेगा, दो ऑप्शन मिल गए, यानी आपको सिस्टम के अलावा और कोई ऑप्शन निकल पाएगा। थ्री चैप्टर में से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर के और में कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, समझ गए। तो ये वाला ब्लूप्रिंट एक बार ध्यान से समझ लेना और ध्यान से लिख देना, इसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट सॉल्यूशन में बहुत जल्दी रखने वाला हूँ, डन। तो ये आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।